नमस्कार दोस्तों, truckbuses.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अशोक लेलैंड की 2620 गाड़ी, जो कि 8 चक्के की गाड़ी है। और आज हम रिव्यू करेंगे इस गाड़ी का और आपको डिटेल में बताएंगे इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइस, इसकी माइलेज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं आपको इस 8 चक्के गाड़ी के बारे में, जो कि 26 टन की गाड़ी है। और इस गाड़ी में आप 6 चक्के और 8 चक्के दोनों का फायदा उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपने पहले अशोक लेलैंड की 1920 गाड़ी देखी होगी, जो 4x2 एक्सल कॉन्फ़िगरेशन 18.5 टन की 6 चक्का गाड़ी है। आप देखेंगे कि उसके ड्राइव एक्सल के आगे एक सिंगल टायर लिफ्ट एक्सल ऐड कर दिया गया है। इस तरह से ये 6x2 एक्सल 8 चक्का ट्रक बन गया और इसका GBW 18,500 किलो से बढ़कर 25,500 किलो का हो गया है। तो ये बिल्कुल नया भारत का पहला 8 चक्का ट्रक आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। तो सबसे ऊपर आपको AVTR की ब्रांडिंग दिख जाएगी, जो अशोक लेलैंड का AVTR सीरीज को दर्शाता है, अवतार सीरीज। AVTR रेंज की गाड़ियों में एक मॉडुलर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसपे 6 चक्का से लेकर घोड़े तक को एक प्लेटफॉर्म में फिट किया जाता है और उसके पार्ट्स भी कॉमन हो गए हैं, बस चेसिस की लेंथ बढ़ती जाती है। दोस्तों, अवतार सीरीज के बारे में हमने लेलैंड के पिछले वीडियो में विस्तार से बात की है, आप वहां देख सकते हैं। और इस गाड़ी में रेडिएटर का फैन सेंट्रलाइज किया गया है, जो पहले नहीं था। ये गाड़ी सिंगल हेलोजन हेडलैम्प्स के साथ है, डबल हेडलाइट का प्रोविजन दिया गया है, आप देख रहे हैं, आप लगवा सकते हैं इसे। उसके बगल में ही साइड इंडिकेटर लगे हैं और ये रिफ्लेक्टर लगा देख रहे हैं आप। बम्पर के ऊपर लगी बड़ी रिफ्लेक्टर स्ट्रिप भी आप देख रहे हैं। गाड़ी के बिल्कुल सेंटर में अशोक लेलैंड का लोगो देख सकते हैं, क्रोम फिनिश्ड। इसके ऊपर ये अशोक लेलैंड की ब्रांडिंग और यहाँ बम्पर के नीचे एक एडिशनल मजबूत बम्पर दिया गया, जो पहले आपको गाड़ियों में इतना मजबूत बम्पर देखने को नहीं मिलता था। यहाँ आप 2620 HG की ब्रांडिंग देख सकते हैं। और दोस्तों, ये हाफ बिल्ट केबिन है, जिसपे आप लक्कड़ केबिन बनवा सकते हैं। गाड़ी के टायर को देखा जाए तो इसमें 295/90 R20 बड़े रेडियल टायर दिए गए हैं, जिसे ऑन रोड ऑफ रोड कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो आजकल BS6 में आप देख रहे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, जिसे एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम कहते हैं, वो लगाया गया है। इसके बारे में भी हमने हमारे पिछले लेलैंड वीडियो में विस्तार से बात की है, आप देख सकते हैं इसे वहाँ। और यहाँ से आप गाड़ी का इंजन देख रहे हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पहले गाड़ी का ओवरव्यू ले लेते हैं। और दोस्तों, ये एयर प्रेशर टैंक देख रहे हैं आप, जो 318 cc का है। ये बड़ा एयर कंप्रेसर लगाया गया है, जो एयर बिल्डअप करने में पहले से कम समय लेता है। यहाँ DEF टैंक लगा है, इसकी कैपेसिटी 48 लीटर है। और दोस्तों, ये ट्रक इस कैटेगरी में सबसे कम यूरिया की खपत करता है। और ये रहा वो सिंगल टायर लिफ्ट एक्सल, जो इस गाड़ी को 6 से 8 चक्का बना रहा है। पीछे के टायर्स भी 295/90 R20 साइज के हैं। और ये रहा इसका ड्राइव एक्सल, जिसमें डबल टायर है। और दोस्तों, ये गाड़ी का रियर सस्पेंशन सादा पट्टा कमानी लगा है, इसमें काफ़ी हैवी कमानी लगाया गया है। दोस्तों, एक और ख़ास बात, आप अपने पसंद का सस्पेंशन भी लगवा सकते हैं, जो आपके लोड और रोड कंडीशन को सूट करे। इस तरह से आपको कमानियों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी चौड़े टायर दिए गए हैं। और ये है इस चेसी का रेयर लुक। पीछे आपको हिंदुजा ग्रुप की ब्रांडिंग मिलेगी। नीचे कंपनी की ओर से एक बम्पर लगा मिल रहा है। LED बैकलाइट लगे हैं इसमें। एक तो रात को इसकी विजिबिलिटी अच्छी होती है LED बैकलाइट की, और साथ ही इसके टूटने फूटने का डर भी कम रहता है। साथ ही आप रिवर्स पार्किंग सेंसर भी लगा देख सकते हैं इसमें। और दोस्तों, ये स्पेयर टायर दिया गया है, जिसे हम आसानी से इसे घुमाकर नीचे ऊपर कर सकते हैं। इसकी चेसी फ्रेम हाई स्ट्रेंथ स्टील की बनी है और इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है। जितने भी नट बोल्ट आपको मिलेंगे, वो चेसी के साइड में लगाए गए हैं। और इसका टॉप आपको बिल्कुल क्लीन मिलेगा, जिससे इस पे बॉडी इंस्टॉल करने में काफ़ी सुविधा होती है। ये इसका सिंगल टायर लिफ्ट एक्सल, जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो 375 लीटर का बड़ा क्रॉसलिंग पॉलीमर टैंक
इस ट्रक में दिया गया है। ये तो बात हो गई फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, अब बात करते हैं एक ऐसे डिवाइस की जो 24/7 नजर रखेगा आपके फ्यूल पे। हाँ दोस्तों, अब नहीं होगी डीजल की चोरी। दोस्तों आइए जानते हैं इंडिया के सबसे एडवांस्ड फ्यूल मॉनिटरिंग डिवाइस के बारे में, जो आपके लिए लेकर आया है अदिति ट्रैकिंग कंपनी। इसे फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें एक सेंसर और एक GPS डिवाइस होता है। ये सेंसर आपके फ्यूल टैंक में फिट हो जाएगा और ये GPS डिवाइस आपके केबिन में इंस्टॉल होगा। तो ये सेंसर आपके फ्यूल टैंक में फिट हो जाएगा, आपकी गाड़ी में कितना रिफिल हुआ, अचानक से अगर किसी तरह का ड्रेन हुआ, डीजल की चोरी या डीजल निकासी हुई, तो ये इसका इंस्टेंट अलर्ट आपके मोबाइल पे भेज देगा। आप घर बैठे अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं कि कोई ट्रिप कब स्टार्ट हुआ, कब कोई ट्रिप एंड हो रहा है, उस रनिंग ट्रिप में गाड़ी कितनी देर चली, कितनी देर गाड़ी कहीं खड़ी रही, ये सारे रिपोर्ट्स आपको GPS डिवाइस की मदद से आपके मोबाइल पे मिलेंगे। और साथ ही आप अपने फ्यूल का पूरा हिसाब रख पाएंगे, पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट भी आप जान पाएंगे। और इस तरह से ये एडवांस फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम आपको देगा 99% एक्यूरेसी मेजरमेंट का। हर बार जब भी फ्यूल रिफिल होगा आपकी गाड़ी में, आपके मोबाइल पे आपको मिलेगा इंस्टेंट अलर्ट कि कितना फ्यूल रिफिल किया गया आपके टैंक में। और अगर अचानक से फ्यूल ड्रेन होता है, डीजल की चोरी होती है, तो भी इंस्टेंट अलर्ट आएगा आपके मोबाइल पे। तो दोस्तों अब ना पेट्रोल पंप वाले आपकी आंखों में धूल झोंक पाएंगे, ना कोई और कर सकेगा आपके डीजल की चोरी। और साथ ही आपको ये फ्यूल मॉनिटरिंग डिवाइस मिलता है बहुत ही आकर्षक कीमत पे। ऑर्डर करने के लिए या किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दी है, या आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको 24 वोल्ट पावर की बैटरी मिल जाती है इसमें, जो 120 एम्पीयर का करंट देता है, जिसका कट ऑफ स्विच यहाँ दिया गया है। दोस्तों इस 8 चक्के ट्रक में अशोक लेलैंड का फेमस H3 इंजन लगाया गया है, जो iGen6 टेक्नोलॉजी के साथ है। और ये 5660cc का इंजन इस ट्रक को 200 HP पावर और 700 Nm मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 380 mm डाया सिंगल ड्राई प्लेट क्लच लगा है इस गाड़ी में, जो 6-speed गियर बॉक्स के साथ है। दोस्तों अब गाड़ी के केबिन के बारे में बात की जाए, तो ये काउल केबिन में आप गाड़ी देख रहे हैं। इस ट्रक के साथ आपको GMUN केबिन ऑप्शन मिलता है, ऑप्शनल AC की सुविधा भी आपको मिल जाती है U और N केबिन में। आइए अब ड्राइविंग सीट पे चला जाए। बीच में अशोक लेलैंड के लोगों के साथ ये आप 2-spoke पावर स्टीयरिंग देख सकते हैं। स्टीयरिंग के लेफ्ट में वाइपर कंट्रोल और राइट में लाइट एंड इंडिकेटर कंट्रोल दिए गए हैं, या हैजर्ड लाइट स्विच। ये एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। गाड़ी ऑन होते ही आपको इस स्क्रीन के सारे कंट्रोल दिख जाएंगे। लेफ्ट में स्पीड और फ्यूल मीटर और राइट में RPM और हीट मीटर आप देख सकते हैं, जो कि एनालॉग अरेंजमेंट के साथ है। डिजिटल स्क्रीन पे ड्राइवर को स्पीड, ट्रिप लेट इन्फॉर्मेशन, गियर शिफ्टिंग एडवाइस, डेट टाइम आदि की सुविधा मिल जाती है। ये ब्लोअर दिया गया है और इस बड़े से बॉक्स में सारे इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स दिए गए हैं। दोस्तों अगर बात करें इस गाड़ी की कीमत की, तो आपके शहर में एक शोरूम कीमत और ऑन रोड प्राइस जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के माइलेज की, तो ट्रक्स का माइलेज बहुत सारे कंडीशन पर डिपेंड करता है, जैसे गाड़ी में लोड कितना है, रोड की कंडीशन कैसी है, ड्राइवर के गाड़ी चलाने का तरीका कैसा है। हालांकि हमारा मानना है कि ये ट्रक आपको 4.5 से 5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे सकती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला वीडियो कौन सा देखना चाहेंगे ये भी कमेंट में लिखें। जल्दी मिलेंगे किसी नई गाड़ी के साथ। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।